दोस्तों यहाँ पे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में एक और जिले को ऐड कर लिया गया है। सुल्तानपुर जिले को यहाँ पर आज से ऐड कर दिया गया है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे प्रथम यही कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन जो प्रोसेस है उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखा है। सेम प्रोसेस से ही आपको अपने जिले का या यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया किसी भी जिले से अगर निकलती है तो आपको सेम प्रोसेस अपना करके ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों इसकी जो है आरंभिक तिथि और हम लास्ट डेट यानी कि अंतिम तिथि यहाँ पर बताने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप जो है इसे आज से जो है सुल्तानपुर में भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो गई है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करके रखें ताकि आपको हर एक योजना से जुड़ी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए अब यहाँ पर बाल विकास upgovin की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको मालूम ही है हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म पर आंगनबाड़ी वर्कर मिनी आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर पर। इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने जो है यही पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब टोटल जो 20 जिले इसमें ऐड थे अब जो है सुल्तानपुर ऐड कर दिया गया है, टोटल मिला के 21 जिले हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसे आप अगर नंबर वाइज गिनेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे नीचे पहले संभल और वाराणसी था लेकिन यहाँ पर अब सुल्तानपुर ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो सुल्तानपुर वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे ब्लॉक और परियोजना को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अखंड नगर बल्देरियाई, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे सिटी सारे जो है जो आपका लगता होगा दोस्तपुर वगैरह दुबेपुर, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है अपना ब्लॉक व परियोजना। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ से आप ग्रामीण व शहरी से हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो शहर सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ग्रामीण सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए ग्रामीण जब सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर हमें ग्राम सभा वार्ड नहीं ग्राम सभा दिखाएगा, तो ग्राम सभा को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अपने। तो ये मैं सुल्तानपुर ज़िले वालों के लिए बता रहा हूँ, जिले अपना सुल्तानपुर ज़िला या किसी भी ज़िले से अगर आप निवासी हैं इन इतने ज़िलों में से अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना ज़िला सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नंबर वाइज नंबर सब चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करते चले जाएंगे। अब देखिए ग्राम सभा आ चुका है। ठीक है, अखंड नगर के अंतर्गत इतने ग्राम सभा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक ग्राम सभा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे पद का नाम देखेंगे कि बिलवाई में हमारे कितने पद खाली हैं। एक पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के, इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सर्च करने वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भी यहाँ पर पता लग जाएगा। पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है सर्च करने वाले बटन पर जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करते हैं। सर्च करने पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे डिटेल आपके सामने निकल के आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर देखें विज्ञापन क्रमांक दिया गया है 21 जून का और जिस भी डेट से यहाँ पे विज्ञापन जारी होता है उसी के 21 दिनों के अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आरंभिक तिथि देखेंगे 22 तारीख, उसके बाद लास्ट डेट देखेंगे 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई तक आपके पास टाइम है ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए दोस्तों देखिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पर अप्लाई का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां से आगे का प्रोसेस जो है आपको वीडियो के माध्यम से देख लेना है दोस्तों। सेम प्रोसेस से सब कुछ उसमें मैंने समझा रखा है दोस्तों, क्योंकि मैं अब हर ज़िले से तो अप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि यहां पर मैं हर ज़िले के किसी भी कैंडिडेट का पूरा प्रूफ कैसे लाऊँ, इसलिए मैंने अपने ज़िले से जैसा सेम प्रोसेस से अप्लाई किया है सेम प्रोसेस अपना करके आपको अपने ज़िले से अपने घर पर बैठ के अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसलिए आप लोग उस वीडियो को देख लें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने लिंक दे दिया है, आई बटन में दे दिया है, यहाँ तक कि कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है उस लिंक। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि फॉर्म को आपको हिंदी भाषा में भरना है, यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर की भाषा में यूनिकोड आधारित फॉन्ट में भरे हिंदी में, तो हिंदी भाषा में ही पूरे फॉर्म को फिलअप करना है। पंजीकरण करने के लिए दोस्तों पूरी पंजीकरण इस प्रक्रिया से लेकर के लास्ट स्टेप तक मैंने उस वीडियो में बता रखा है, इसलिए आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें पहले, उसके बाद सेम प्रोसेस से अपने ज़िले का नाम, मान लीजिए मैं उसमें अपने ज़िले का नाम भरता हूँ आप उस जगह पर अपने ज़िले का नाम भरेंगे, अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस से ही अपनाते हुए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जो है आप अप्लाई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वीडियो है, उसे ज़रूर वॉच करें। तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर और आवेदिका का जन्मतिथि डाल करके ये कैप्चर कोड यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा,
और हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में ओटीपी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 1-2 दिन बाद ओटीपी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आशा करूँ दोस्तों आपकी वीडियो के माध्यम से अच्छी नोटिफिकेशन मिले होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार चैनल विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करें।